हेलो फ्रेंड्स सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब नोटिफिकेशन आ रही है गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आ रही है और ये आ रही है सी एस आई आर एन एम एल यानि कि नेशनल मेटोलॉजिकल लैब्स की तरफ से वहाँ पर से सिविल इंजीनियर के फ्रेशर लेवल पे वैकेंसी आ रही है विदाउट गेट सिलेक्शन हो रहा है किसी तरह की फीस या एग्ज़ाम नहीं है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपकी सैलरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ प्लस परसेंट बेनिफिट्स रहने वाली है इसका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसमें आप ऑल ओवर से अप्लाई कर सकते हो और यह प्रॉपर जॉब है किसी तरह का कोई अप्रेंटिस नहीं है इसका एक्सपीरियंस काउंट होगा तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है फॉर्म को भरना कैसे है बहुत सारे बच्चों को इसके फॉर्म्स भरने में प्रॉब्लम्स आ रही है मैं आपको वही बताऊँगा इसका फॉर्म आखिर भरना कैसे है लास्ट डेट क्या है जॉब लोकेशन क्या होने वाली सबके सबके बारे में बात करेंगे इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो दोस्तों मेरा नाम है ए डी सिंग एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन अ कम्प्लीट सोल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर हम रोज़ सुबह दस बजे आपके लिए प्राइवेट जॉब अपडेट और रोज़ शाम को पाँच बजे गवर्नमेंट जॉब अपडेट लाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी जॉब नोटिफिकेशन मिल जाए और इसी के साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों ये हमारी आज की तीसरी अपडेट है जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आज संडे और आज हमारी तीन बड़ी अपडेट्स आ रही हैं और उसी के साथ साथ आज हमारी ज्वाइन मेंबरशिप की पहली वीडियो भी आ चुकी है आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि एक फ्रेशर लेवल पे आखिर जॉब लेते कहते हैं कैसे हैं ये उसका टेम्पलेट है तो अगर मैं ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइनिंग की फीस मैंने बहुत ही नॉमिनल रखी है तो जो जो इंटरेस्टेड है इसमें देख सकता है कि अपने ही एरिए में किसी भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से आखिर जॉब लेते कैसे हैं श्योर एंड शॉर्ट शॉर्ट मैथड है मेरा अपना पर्सनल तरीका जो मैंने आज़माया था तो मैंने उसकी रिलेटेड वीडियो बनाई है आप सब देख लीजिएगा तो बात करते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन के बारे में तो ये आ रही है आपकी सी एस आई आर नेशनल मेटोलॉजिकल लेबॉरट्री की तरफ से बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है सी एस आई आर एज यू नो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंडर ये आती है यहाँ पे से जॉब नोटिफिकेशन आ रही है प्रोजेक्ट एसोसिएट की ये इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है बहुत सारी वैकेंसी वैकेंसिया सबके बारे में बात कर लेंगे मैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपकी टेम्पररी पोस्ट है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है परमानेंट पोस्ट ये नहीं है इसमें आपके आर एंड डी और फिर सी एस आई आर फंडेड प्रोजेक्ट्स में आपका ज़रूरत है आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है और इसकी लोकेशन बेसिकली जमशेदपुर में रहेगी हालांकि आप इसमें ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं अब देखिए पोस्टेड तो इसमें बहुत सारी हैं मेटोलॉजिकल वालों की भी है मैकेनिकल वालों की भी है इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री सब के बारे में है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सिविल पे ही बात करेंगे अगर जो और ट्रेड्स के हैं उनको अपनी देखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके बाद वो देख सकते हैं कुछ में एक्सपीरियंस मांगा गया है कुछ में नहीं मांगा गया है अलग अलग पोस्टें हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से उनकी अलग अलग सैलरीज हैं और उनके अलग अलग पे स्केल हैं पर्सन बेनिफिट्स हैं कुछ में एक्सपीरियंस है कुछ में नहीं भी है हम बात करते हैं सिर्फ सिविल के बारे में तो सिविल इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी है वो है एम एल पी पोस्ट नंबर फिफ्टीन एम एल पी थ्री वन वन एट आर एस में प्रोजेक्ट का जो जो पोस्ट का नाम है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट वन की वैकेंसी है टोटल नंबर ऑफ सीट्स थ्री है क्वालिफिकेशंस में बीटेक इन केमिकल मेटालोजिकल केमिकल मैकेनिकल और सिविल और मिनरल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं तो सिविल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेवलपमेंट ऑफ फायर रजिस्टेंस लाइट वेट स्ट्रक्चर मटीरियल बाय हाइड्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर जैसे कि मैंने बताया कि ये आर एंड डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है तो बेसिकली बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है आर एंड डी में बहुत ही ज्यादा चीज़ें कुछ सीखने के लिए होती है टेस्टिंग और ज्यादातर इन्वेंशंस जो भी होता है डेवलपमेंट में काम होता है आर एंड डी में अब अगर थोड़ी और बात कर लेते हैं सिविल के लिए बस एक यही पोस्ट है बाकी और सब अलग अलग ट्रेड्स के लिए हैं अपने अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं ठीक है कुछ में एक्सपीरियंस मांगा गया कुछ में नहीं मांगा गया है फिलहाल सिविल वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है आप फ्रेशर लेवल पे इसमें अप्लाई कर सकते हो किसी अब अब फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल नहीं है ध्यान दें फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल नहीं है अगर आपकी मार्कशीट सारी आ चुकी हैं बी की तभी आ, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा भी इसमें एलिजिबल नहीं है अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में तो प्रोजेक्ट एसोसिएट वन में आपकी सैलरी पच्चीस हजार यानी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रहेगी और अगर आपने गेट या फिर सी एस आई आर का यू जी सी नेट नीट का एग्जाम निकाला है तो आपकी सैलरी थर्टी वन थाउजेंड हो जाएगी जस्ट निकाला भर है अगर गेट जस्ट क्वालिफाइड है तब भी आपकी सैलरी थर्टी वन थाउजेंड ही रहेगी और अगर गेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपकी सैलरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रहेगी प्लस एच आर ए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस यानी कि आपको रहने का खर्चा मिल जाएगा या फिर इनका अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा ठीक है एज लिमिटी रखी गई है अब अगर हम थोड़ा और बात कर लेते हैं तो इसमें फाइव एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यू डी या फिर कैंडिडेट हैं और थोड़ा अगर और बात कर तो ये आपका मैंने जैसे बताया कि ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है इसके बाद आपको परमानेंट नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ सकता भी है और नहीं भी बढ़ सकता आपको हटाया भी जा सकता है जैसे भी आपका प्रोग्रेस होगी आपको अगर ज़रूरत होगी उस हिसाब से अब जो इसमें मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें आपको डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा आप ही के घर से अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपकी मेल आईडी पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी किस पे होगा तो स्काई पे गूगल मीट या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है जिसकी फॉर्म्स की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट तीन बारह दो हज़ार बीस यानी कि थ्री ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी रखी गई है तो उससे पहले इसमें आपको अप्लाई कर देना है और जो आप इंटरव्यू दोगे वो आपका हिंदी भाषा में भी हो सकता है ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही दो आपका वो हिंदी में भी हो सकता है तो आई होप मैंने इससे रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म्स अप्लाई कैसे करना है तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है लिंक नहीं मिल रहा है उन लोगों को तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे दैट इज़ नेशनल मेटोलॉजिकल लेबोरेटरी मैं इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फिर भी एक बार समझ लीजिए भरना कैसे है आप थोड़ा स्क्रोल करोगे नीचे तो देखो यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक पोर्टल खुल के आ जाएगा यहाँ पर आपकी पोस्ट भरी है यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है आपको आपको अप्लाई करना है पहले रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा और यहां पे आपको अपना पूरा भरके देना है आपको अपना पूरा ऑनलाइन फॉर्म भर के देना है और यहां से आपका सिलेक्शन आपका फॉर्म स्टार्ट होगा ना कि जहाँ पीछे अप्लाई लिखा है अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है नहीं समझ में आता है तो आप सी इंस्ट्रक्शंस करके ये एक इनकी मैनुअल है एक पीडीएफ आपके सामने खुल के आ जाएगी आप इसको पढ़ सकते हो प्रॉपर समझ सकते हो या आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो या इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा डायरेक्ट वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और जो भी अपना फॉर्म कैसे भरना है से समझ सकते हो पढ़ के देख सकते हो इसमें आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो कोई फीस नहीं है कोई भी एग्ज़ाम नहीं है तो बहुत ही अच्छा मौका है डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट होने का ऐसे फॉर्म्स में सबसे अच्छी बात होती है कि आप तक कोई लॉस नहीं होता है अगर सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड नहीं होता है तब भी कोई बात नहीं है आपका ना ना तो एक रुपया गया है ना ही कुछ मेहनत लगी है बस एक फॉर्म भर के देना है तो बहुत ही अच्छा मौका है ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं सी एस आई आर एज यू नो अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स कर रही है तो वहाँ से एक और रिक्रूटमेंट आ गया है सिलेटेड और कोई अगर अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा सो so, आज के लिए अभी के लिए इतना ही थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू